Hello and welcome to Chemistry Nuggets, where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, आज का वीडियो है how to balance a chemical reaction using half reaction method in acidic medium. So ये topic class 11 से है. इसमें हम बहुत सारे steps होते हैं करने को, तो चलिए देखते हैं. अगर एक बार steps आ जाएंगे तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा ये portion. तो चलिए start करते हैं जल्दी से. इन आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड कुछ रूल्स होते हैं, तो पहले रूल्स देख लेते हैं. फर्स्ट रूल है राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म. नाउ उसके बाद सेकंड स्टेप है डिटरमाइन द एलिमेंट्स दैट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड बीइंग रिड्यूस्ड. तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं एलिमेंट्स का और देखते हैं कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आफ्टर रिएक्शन बढ़ रहा है और किसका आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है. तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, हम उसको कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानेंगे. आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट है ब्रेक द इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. फिर हम इक्वेशन को ब्रेक करके इस तरीके से लिखेंगे, खाली ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन और खाली रिडक्शन वाला पोर्शन. फिर उसके बाद मेन पॉइंट शुरू होता है बैलेंसिंग का. आफ्टर दैट वी बैलेंस द हाफ इक्वेशन. अब बैलेंसिंग में भी कुछ पॉइंट्स को याद रखना है. पहला स्टेप है इसमें बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. फिर सेकेंड स्टेप है नाउ बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. फिर उसके बाद आता है नंबर हाइड्रोजन का, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयंस. तो जिधर जिस साइड हाइड्रोजन कम है उस साइड हम H+ आयन ऐड कर देंगे. इतना करने के बाद क्या बचता है, फिर बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस द टोटल चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो फिर चार्ज पूरा चेक करेंगे, जिधर कम हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे. आफ्टर दैट द नेक्स्ट रूल इज ऐड द टू हैव्स एंड गेट द रिएक्शन बाय कैंसलिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों दो हाफ्स को ऐड करेंगे और इस तरीके से ऐड होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड जो भी हैं वो कैंसिल हो जाएं. सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन जब हम एग्जांपल करेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा. चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं. एग्जांपल है Cr2O7 2- + SO3 2-, इट गिव्स Cr3+ + SO4 2-. सो फर्स्ट स्टेप होता है राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म. तो हम देखेंगे कि ये रिएक्शन इटसेल्फ आयनिक फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो रूल नंबर 1 नॉट अप्लाइड हियर. और ये भी जान लीजिए कि ज़्यादातर 99% केसेस में आपको जो भी रिएक्शन मिलेगी वो आयनिक फॉर्म में ही दी जाएगी एग्जाम्स में पूछने को. तो पहला नियम बहुत ही कम यूज में आता है, फर्स्ट कैंसिल हो गया. सेकेंड रूल क्या है, अब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना है कहाँ पर हो रहा है, या फिर हम कह लें ऑक्सीडेशन किस एलिमेंट का हो रहा है और रिडक्शन किस एलिमेंट का हो रहा है. इसके तरीका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें. तो यहाँ पर हम क्रोमियम का और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. कैसे निकालते हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर माना x, तो 2x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 × 7 इज इक्वल टू, और पूरी स्पीशीज पे कितना चार्ज है -2 का. तो हमारा ये क्या बन रहा है, अब 2x - 7 × 14 इज इक्वल टू -2. सो 2x इज इक्वल टू 14 - 2 एंड x इज इक्वल टू 12/2 दैट इज +6. तो हमारे पास क्रोमियम का निकला ऑक्सीडेशन नंबर +6. अब यहाँ पर सल्फर का लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं. ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड.
राइट हैंड सल्फर ऑन लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, सल्फर को x मान लिया प्लस 3 और ऑक्सीजन का माइनस 2 और ओवरऑल माइनस 2. सो x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और x की वैल्यू आएगी प्लस 4. तो यहाँ पर LHS में प्लस 4. अब क्रोमियम का देख लेते हैं, राइट हैंड साइड में प्लस 3 है क्योंकि क्रोमियम अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका जो भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर माना जाएगा. तो यहाँ राइट हैंड साइड क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 है. सल्फर का देख लेते हैं फिर से, राइट हैंड साइड x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज प्लस 6. तो सल्फर का यहाँ पर हो जा रहा है प्लस 6. अब देखते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है. तो क्रोमियम देखिए जा रहा है प्लस 6 में से प्लस 3 में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या हो रहा है, रिडक्शन. उसी तरह सल्फर का देख लीजिए, सल्फर जा रहा है प्लस 4 से प्लस 6 में, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 से प्लस 6 हो गया यानी कि इंक्रीज हो गया. सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन, तो यहाँ हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया. तो हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिल गया है. अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, राइट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. तो पहला है ऑक्सीडेशन हाफ. ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, सल्फर का, तो हम लिखेंगे SO3 2- एंड इट विल गिव्स SO4 2-, करेक्ट. दिस इज वॉट एवर इज देयर इन द रिएक्शन, वी जस्ट कॉपी इट हियर डाउन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. नाउ रिडक्शन हाफ देख लेते हैं. रिडक्शन कहाँ हो रहा है, Cr2O7 2-, Cr2O7 2-, और यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, Cr3+. सिंपल. इतना करने के बाद अब हम दोनों हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे. तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ में चलते हैं. यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करिए. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सल्फर है एक्स्ट्रा, तो सल्फर देखते हैं बैलेंस करते हैं. सल्फर लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 1 है, कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस करने की. अब इसके बाद आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 3, राइट हैंड साइड है 4. तो कैसे बैलेंस करना है, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. तो हम यहाँ पर H2O ऐड कर देते हैं, हो गया 3+1 और इधर 4 4 4 बैलेंस. अब हाइड्रोजन की बारी. अब हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड भी हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे. तो इधर 2 है तो इधर भी हम कर देते हैं 2H+. इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप चार्ज को बैलेंस करने का. तो चार्ज देख लेते हैं, टोटल चार्ज कितना है ऑक्सीडेशन हाफ में, लेफ्ट हैंड साइड -2 और राइट हैंड साइड कितना हो रहा है -2+. तो देख लीजिए कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड में -2 और +2. कैसे, हाइड्रोजन पर 1 प्लस चार्ज है और 2 टाइम्स हो रहा है तो +2 हो गया. तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, कैंसिल हो गया. तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड चार्ज 0 है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, -2 चार्ज है. इसको बैलेंस कैसे करें, इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 2e-. अब हो गया दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड -2 चार्ज, राइट हैंड साइड -2 चार्ज, ये ऑक्सीडेशन हाफ हमारा बैलेंस हो गया. अब सेम चीज़ हम रिडक्शन हाफ में करेंगे. सो सबसे पहले एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज क्रोमियम. क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड 2 है,
तो राइट हैंड साइड भी 2 रख दे सिंपली बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन की बारी आई, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे हैं 7, तो क्या करना है राइट हैंड साइड हमको 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रख देना है। 7 ऑक्सीजन हो गया राइट हैंड साइड भी। अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने से हाइड्रोजन हो गया राइट हैंड साइड 14 मॉलिक्यूल्स। अब दिस 14 को इधर हाइड्रोजन क्या करेंगे हम यहाँ पर 14H प्लस कर देंगे, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब इसके बाद आता है बैलेंसिंग में हमारा चार्जेस बैलेंस करना। अब यहाँ पर देख लीजिए कितने चार्ज हो रहे हैं, -2 एंड +14 हो गए, कितने हो गए 12, तो हम इसको कहेंगे +12। तो लेफ्ट हैंड साइड +12 चार्ज है, राइट हैंड साइड देख लीजिए 3 2 6 +6 चार्ज हो गया क्रोमियम पर, तो +6 और -12 इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए। जिधर हमें इलेक्ट्रॉन्स यानी कि माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यूज़ करना है, तो +12 में -6 अगर लगा दें तो +6 हो जाएगा, करेक्ट है। तो हम जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड +12 हो रहा है वहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, तो हो गया +12 -6 इज इक्वल टू +6, तो ये और ये बराबर हो गया, ठीक। अब ये हमारी दोनों रिएक्शंस बैलेंस्ड हैं। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप है, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना है, लेकिन इस तरीके से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएं। हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन है और रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैंसिल होगा, नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ में जो 2 है उसको 6 बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद हम ऐड करते हुए और मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं, तो पहला हो गया 3 into SO3, तो हमारा बनेगा 3SO3 2 माइनस प्लस 3 into H2O 3 वाटर मॉलिक्यूल। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन हाफ का राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, रिडक्शन हाफ का भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिंपली कॉपी कर लेते हैं Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6E माइनस। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड, तो ऑक्सीडेशन में हो रहा है 3SO4 2 माइनस, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 3 2 6H प्लस हो गया प्लस 3 2 6E माइनस हो गया। अब नीचे वाला भी कॉपी कर लें, रिडक्शन हाफ प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। इतनी कहानी होने के बाद देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब हम देख रहे हैं H प्लस इधर भी है और इधर भी है, तो 14 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 पूरे कैंसिल हो जाएंगे और 14 में से 6 माइनस किए तो कितने बचेंगे 8 H प्लस यहाँ बचा। अब वाटर मॉलिक्यूल देख लीजिए, इधर 3 है इधर 7 है, तो इधर के 3 पूरे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 7 में से 3 माइनस किया तो कितने बचे 4H2O हो गया। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, अब जो भी बचा है उसको फिर से फ्रेशली लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3SO3 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस और क्या बचा है प्लस 8H+ एंड उससे बचेगा और जो मिलेगा हमें 3SO4 2 माइनस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 4H2O और यही हमारी हो जाएगी बैलेंस रिएक्शन। द फाइनल रिजल्ट इज दिस बैलेंस्ड रिएक्शन। चेक कर लेते हैं फिर से सारे एलिमेंट्स को। देखिए सल्फर 3 है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, 3 राइट हैंड साइड,
फिर क्रोमियम पे आते हैं टू लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, फिर ऑक्सीजन की बारी आई थ्री थ्री जन नाइन लेफ्ट हैंड साइड प्लस सेवन नाइन सिक्सटीन हुआ टोटल, नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन, यहाँ देख लेते हैं थ्री फोर जर ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है हमारा। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन पर, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एट हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड फोर टू ज़ा एट, एट हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, तो तीनों ही चीज़ बैलेंस है। अब चार्ज को भी बैलेंस करना है, तो चार्ज देख लेते हैं हमारे पास यहाँ कितना है, थ्री टू ज़ा सिक्स, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस का, देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड माइनस सिक्स, फिर क्या हो रहा है माइनस टू प्लस एट, ये हो रहा है कितना आया, ये हमारा आएगा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा एट प्लस एट और ये आ जाएगा ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा चार्ज हो रहा है ज़ीरो। राइट हैंड साइड कितना चार्ज है देख लेते हैं, थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस का सिक्स और थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस का सिक्स, तो ये भी हो गया ज़ीरो। तो इस तरीके से हमारा चार्ज भी बैलेंस्ड है। तो ये तो हो गई ओवरऑल रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड फॉर्म में है हाफ रिएक्शन मेथड की तरफ से। थोड़े से रूल्स को याद रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप जब पहली बार करेंगे तो थोड़ा लगेगा कि लेंथी हो रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो स्पीड पकड़ लेंगे और ये बहुत ही आसान और बहुत ही 100% रिजल्ट देने वाला मैकेनिज्म है। तो होप यू गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब को ज़रूर कीजिए चैनल को, जिससे कि आपको अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन थैंक यू।